जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, देन आप उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर से मेरा मतलब है यहाँ पर कि बेसिक वाली इंफॉर्मेशन आपको होगी, और अगर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बोर्ड इन अपर स्ट्रीम एंड इन डाउन स्ट्रीम इन टोटल 5 आवर्स। सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपर स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 600% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। कहानी मैं आपको मात्र भाषा में समझा देता हूँ। अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केस है, हम ऐसा मान रहे हैं कि बोट अगर चल रही है और ये हमारी धारा बह रही है, उसकी स्पीड को हम एस लेकर चलते हैं और बोट की स्पीड को हम बी लेकर चलते हैं। तो ये अपस्ट्रीम वाला केस हुआ, नहीं डाउनस्ट्रीम वाला केस हुआ, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो इसको सीधा सीधा ऐसा रखा करो कि पर्वत से जब उतरते हो, जब नीचे आते हो तो स्पीड बढ़ती है, तो दोनों को ऐड करना। ठीक है, बी मतलब बोट की स्पीड और एस मतलब स्ट्रीम की स्पीड, धारा की गति और नाव की चाल, शांत पानी में नाव की चाल वो हम ले रहे हैं। ठीक, तो जब उतर रहा है वो तो हम उसको डाउन बोलते हैं, जब चढ़ते हैं तब उसको अप बोलते हैं, तो चढ़ने में स्पीड कम हो जाती है तो माइनस कर, ऐसा प्रेडिक्ट करके उसको याद रखते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और अगर नहीं तो आप कह सकते हैं। तो जब वो जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम वाला केस होगा। ठीक है, और जब वापस आ, जब यही बोट वापस आने लग जाए तो वही कौन सा केस बन जाएगा, अप स्ट्रीम का केस बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आपको टाइम दिया गया है, दोनों का टाइम है, तो टाइम किसका, अप स्ट्रीम का, और टाइम डाउन स्ट्रीम का कितना लग रहा है, 5 घंटे। क्या हमें डिस्टेंस मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम, तो हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस क्या है हमारी, डी किलोमीटर। ठीक है, तो जब टाइम निकालते हैं तो हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस वाले केस में फिलहाल मैं इसको एक्स मान लेता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे, एक्स किलोमीटर। तो डिस्टेंस एक्स है तो एक्स अपॉन यू, अच्छा यू मीन्स अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, वी माइनस एस, और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, वी प्लस का एस, यही तरफ होगी। तो एक्स अपॉन वी माइनस का एस, फिर एक्स अपॉन बी प्लस का एस, इसकी वैल्यू कितनी आपकी, 5 दी गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया है द सम ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 40। इन दोनों का सम, ये यू क्या है अपस्ट्रीम स्पीड, डी क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड, इन दोनों का सम, तो यू प्लस डी की वैल्यू हमारी यहां कितनी आएगी, 2b, ये कट जाएगी वैल्यू। ठीक, तो यहां अगर ऑब्जर्व करें तो ये 40 वैल्यू दी गई है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, पहली बात। ठीक, इसके बाद इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो 600% ज्यादा है, मींस अगर हम यहां रेशियो बनाएं तो रेशियो जो बनेगा हमारा बोट का और स्ट्रीम का, तो ये जो स्ट्रीम है उसको अगर हम एक मानते हैं तो 600% ज्यादा है, इसका मतलब 6 गुना आप बढ़ाएंगे, तो यहां 6 मत रख देना, यहां वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 7 आएगी, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 7, क्योंकि 600% ज्यादा है, बढ़ाना है 600% नहीं, ठीक, 600% मोर है। तो इस बी की वैल्यू हमें दी गई है 7 यूनिट की वैल्यू, 20, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो यहां जो है वो आप वैल्यू रख लो किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये आवर में ले रहे हैं इसलिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/7। ठीक है, बस उसको उठा के जो है वो हम सॉल्व कर लें। वैल्यू जब आप यू के लिए निकालोगे तो यू वाले केस में आपको वैल्यू मिलेगी 20 - 20/7, और इस वाले केस में मिलेगी 20 + 20/7। ठीक है, यहां वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी टोटल, ये 5। ठीक, इसमें से अगर हम 20 कॉमन निकालें तो हमारा काम थोड़ा सा जो है वो और आसान हो जाएगा, और 20 कॉमन निकालकर मल्टीप्लाई इधर कर लें। ठीक है, तो x मैं इसमें से भी 20 निकालूं, इसमें से भी 20 निकाल रहा हूं, ये 20 हमने 1/20 बाहर निकाली,
तो 1 माइनस 1 बाय 7 ये आपको दिख रहा है बिल्कुल, माइनस सॉरी प्लस x अपॉन ये 1 प्लस 1 बाय 7 ठीक है, और ये 5, तो आप 20 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर आपकी 6 बटा 7, ये वैल्यू आएगी 8 बटा 7, तो ऊपर जो वैल्यू जाएगी वो 7 x बटा 6, मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया, फिर यहां 7 x बटा 8 ठीक है, टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे 20 पे 100। एलसीएम लेकर अगर इसको सॉल्व करते हैं इस वाले केस में, तो आप 7 तो बाहर ही निकाल लो, इन दोनों का रेशियो 4 और 3 का एलसीएम के हिसाब से सॉल्व करोगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी आपकी तो 4x, और यहां वैल्यू आ जाएगी 3x, और नीचे वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, तो ये आ जाएगी 24 ठीक है बराबर 100 ठीक। इसमें आगे और रखें तो यहां आप ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 7 होगी 49, 24 इधर रखोगे, डायरेक्ट मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू 2400 बटे कितनी आ जाएगी आपकी 49। अब ये तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन अगर देखोगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, एप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालनी है, तो थोड़ा सा अगर इस पर गौर करें हम, 49 से सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो अगर हम इसको 50 मानते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, 50 मान लेते, 50 मानने पर 5 × 20, 5 × 20 और 5 × 40, तो 48 के आसपास हमारी वैल्यू आएगी, लेकिन क्या ये जो है वो 50 है 49 है, इसका मतलब 48 से बड़ा ऑप्शन आना चाहिए, 48 से बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो 50 दिया गया है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी, 50 के बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है। आई होप कि ये वाला पार्ट जो है वो आपको क्लियर होगा, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से ही आपको सॉल्व करके बताया है ठीक है। इसमें अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं रेशियो वाला मेथड, तो आप रेशियो वाले मेथड से भी इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर भी आपको कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी ये वाली ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें ठीक। अब ये जो पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, तभी आप उसको डील कर पाएंगे, हालांकि मैं इसमें समझा देता हूं, क्योंकि जो क्लास में बताता हूँ वो बच्चे एटलीस्ट उसको रिलेट कर पाए, क्योंकि बेसिक उसका थोड़ा सा मालूम होना जरूरी है। आप रखते हो डी यू बी और एस ठीक है, यहां रखते हो आप स्पीड, यहां रखते हो टाइम, और नीचे आती है आपकी डिस्टेंस की वैल्यू ठीक है। आपको इनका रेशियो दिया गया है, समझना मेरी बात को, इन दोनों का रेशियो आपको ऑप्शन इसमें दिया गया 600% ज्यादा है, इसका मतलब यहां वैल्यू 7 और 1 आएगी ठीक है। और सुनना मेरी बात ध्यान से, 7 और 1 है, इन दोनों को ऐड करने पर डी मिल जाता है, तो वैल्यू 8 यहां आ गई, और इन दोनों को माइनस करने पर यू यहां मिल जाता है, मतलब इनका रेशियो हमें मिल गया, तो यहां रेशियो कितना आएगा 4:3 का, क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है, जाने वाला व्यक्ति आने वाला व्यक्ति, तो पलट कर रख दो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3:4 ठीक है। अब हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है टोटल टाइम, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है टोटल टाइम, तो यहां 3 और 4 की वैल्यू 7, ये 5 आर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/7 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 15/7, 15/7 टाइम लग रहा है किसमें, डाउन स्ट्रीम में। अब हमें स्पीड और मिल जाए बस, तो स्पीड हमें रियल मालूम है, जो भी मैंने इक्वेशन बनाई थी वहां से अगर आप बनाओगे तो आप निकाल सकते हो कि बी की वैल्यू है 20, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/7, तो हम 20/7 का मल्टीप्लाई यहां कर दें 8 में, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160/7 ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, तो इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू, क्योंकि ये आपको स्पीड मिल गई रियल वाली, ये रियल वाली वैल्यू है ठीक है, ये 20 किलोमीटर पर आवर ये आपकी रियल वाली वैल्यू ठीक, ये अभी जैसे हमने सॉल्व करी थी वो ठीक है, तो वहां से हमने इसकी वैल्यू रिलेट करी है। ये रेशियो वाला पार्ट ये थोड़ा सा हम बेसिक में समझते हैं, तो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे ठीक है, तो इसको आई थिंक रिलेट कर पाएंगे, बाकी बेसिक में आपको बता चुका हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 160 और 15, 15 का दोगुना
30, तो यहां 8 आ जाएगा, 8 और 3 24 हो गया, मतलब वैल्यू वही बनेगी आपकी 2400 बटा 49। ठीक है, जब आप स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और ये 50 के आसपास आती है, वो कहानी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम में सॉल्व कर लेते हो, लेकिन मालूम होना चाहिए बेसिक। जल्दी से मिलते हैं हम नए क्वेश्चन साथ में। थैंक यू सो मच।